हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सबको अच्छे होंगे। कुछ टाइम तक मैं वीडियोस नहीं डाल पाई गाइस क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। आई वाज नॉट फीलिंग रियली वेल, मुझे बहुत हेडेक्स हो रहा था एंड आई वाज हैविंग सो थ्रोट आल्सो। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बट यस मुझे सो थ्रोट बहुत था, मुझे बहुत कफिंग होती थी, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा बोलने में भी मुझे बहुत तकलीफ होता था। इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह लाइट में आना, थोड़ा सा ब्राइट लाइट में आना मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत हेडेक्स होता था। ये पूरा वीडियो एक ज्वेलरी हॉल होने वाला है। तो एक्चुअली गाइस रिसेंटली हम लोग गए थे थाने मार्केट, तो थाने में एक्चुअली जुबिन का ऑफिस है। तो जब से हम लोग यहाँ में शिफ्ट किए हैं जुबिन का वर्किंग एरिया वर्किंग स्पेस हमने कभी देखा नहीं है। तो एक दिन जुबिन ऐसे ही बोला कि चलो हॉलीडे भी है, चलो लेट्स गो एंड टेक इट राउंड। तो हम लोग गए वर्किंग एरिया देखे, हाँ बहुत छोटा जगह में था, ठीक ही था, है ठीक ठाक। क्योंकि मैं ना मुझे तो थोड़ा बहुत शॉक हो गया था कि इतना छोटा, बिकॉज यहाँ पे जो जुबिन को एक्चुअली जिस ऑफिस के लिए बुलाया गया था वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है जैसे उन लोग का ऑफिस। देन वी वेंट टू द मार्केट साइड। मार्केट में मुझे मतलब जो मेरे नॉलेज में आया मुझे लगा कि तीन पार्ट है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा सबसे पहला एरिया था एकदम थोड़ा सा नीट एंड टाइडी, मतलब उतना भीड़ भड़का नहीं था। इसके बाद हम लोग एक मार्केट में घुसे जो कि उसी एरिया में था, इतना कंजस्टेड था गाइस ओवर। हम लोग गए, हाँ कलेक्शन बहुत अच्छे थे, वेस्टर्न कलेक्शन जो थे ना सब बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग को देखने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज इतना सफोकेटिंग था, इतना गर्मी था। थोड़ा बहुत राउंड मार के हम लोग वापस आ गए क्योंकि हमारे साथ हमारा बेटा भी था बीजू, तो उसको तकलीफ ना हो बोल के हम लोग फटाफट निकल के आ गए। उसके बाद हम लोग पता लगाए, अब मुझे मेरा तो था कि ज्वेलरीज कहाँ पे मिले हैं क्योंकि रस्ते में मैंने बहुत ज्वेलरीज देखा, तो मैंने पूछा कहाँ से हैं एंड कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे है। एंड देन वी वेंट एंड वहाँ पे पूरा ज्वेलरीज का ये था दुकान सब था, एंड वो पूरा एक लोकल मार्केट में बोलूँ बिकॉज जितना भी था सब लोकल वेंडर्स थे, जो कैलेंडर्स होते हैं जो फुटपाथ में बिकता है, फिर जुत्ती हो गया, लोकल जूता हो गया, लोकल कपड़े हो गए, तो वो सब था वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने कुछ अपने लिए ज्वेलरी सब उठाया है, तो उस हिसाब से भी मैंने आज अपना ड्रेस पहना है गाइस। बताना कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी? तो ओके, मैंने काफ़ी टाइम पहले साड़ी पहना था, अभी बहुत टाइम हो गया मैंने साड़ी नहीं पहना है, तो इस बार मुझे साड़ी पहनने का भी मौका मिल गया। तो अभी जो इतनी ज्वेलरी है इसलिए मैंने ये साड़ी का लुक भी किया लिया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी ऑल्सो। वेस्टर्न ड्रेस में तो समझ में नहीं आता इसलिए मैंने साड़ी का लुक पहना है, एंड साड़ी के लुक में मैं ज़्यादा दिखा पाऊंगी कि किस टाइप का ज्वेलरी है एंड कैसा मतलब आप कैसे उसको स्टाइल कर पाएंगे कोई भी एक एथनिक ड्रेस के साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट आए आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी ये वाला नोज रिंग। पता नहीं, मैं तो मुझे तो खुद को देख के बहुत अजीब लग रहा है, बट ये वाला रिंग मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है, और ये बहुत टाइनी सा भी है। शायद मेरी मदर इन लॉ भी वीडियोस देखेगी, तो ऑब्वियसली एक्चुअली जब मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पे आई थी तो हम लोग भी गए थे यहाँ पे लोकल मार्केट में, तो उन्होंने बहुत बताया कि एक ले लो एक ले लो। मैं ना मुझे देख के ना मतलब खुद को जब मैं इमेजिन करती हूँ मुझे बहुत गुदगुदी होती थी, मतलब अजीब सा फीलिंग तो मैंने बहुत मतलब नहीं मम्मी मैं नहीं लूँगी अच्छा नहीं लगेगा ये बात। अब इस बार मैंने सोचा कि जो कि मैं इतना सारा ज्वेलरी ले ली हूँ इसको भी ले लेती हूँ, तो मुझे ये देख के तो अच्छा लगा, अब पहनने के बाद आप लोग मुझे बताना मैं कैसे लग रही हूँ। एंड ये सब हमारे ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता है गाइस, इसके लिए तो अलग ही चेहरा आता है, अलग ही लुक आता है, तो उन लोग के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, हमारे ऊपर थोड़ा सा अलग लगेगा बिकॉज ऐसे भी हमारी आंखें थोड़ी सी छोटी है एंड फेस स्ट्रक्चर जरा थोड़ा सा बहुत मैच नहीं होता है, थोड़ा बहुत अजीब दिख सकता है। बट ऑब्वियसली अगर किसी को नया लुक चाहिए थोड़ा बहुत किसी दोस्त के साथ किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ऐसे दिखने में ऐसे खराब नहीं दिखता है, ऑब्वियसली अच्छा ही दिख रहा है। ऐसे मैं इसको बिना चेहरे के ऐसे देखूंगी तो बहुत अच्छा लगता है। बट देन आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है? हम लोग नागफूल बोलते हैं वैसे, हमारी भाषा में नागफूल बोलते हैं। तो ये वाला नोज रिंग मैंने लिया है, अन ये मुझे पड़ा कुछ 60 रुपीज़ का है, ऐसे तो बताया था 120 रुपीज़ का, मैंने बोला कि इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, कितना है देन ही चोल में कि चलो आप बताओ कितना, मैंने बोला 60 रुपीज़ में आप दे दो। तो ये वाला पहला पीसा बहुत अच्छा लगा, पहन के रखती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ सेकेंड ज्वेलरी, अभी मैं धीरे धीरे जाती हूँ। तो ओके मैं पहले दिखाती हूँ कंगन, अभी मेरा हाथ एकदम खाली लग रहा है तो मैं कंगन दिखाती हूँ। तो कंगन भी मैंने दो टाइप का लिया है, दो टाइप का मतलब एक मेरे लिए लिया है और एक मेरे साथ भावना रहती है, भावना ने भी लिया है अपने लिए। तो ये है भावना वाला, एंड गाइस ये वाला सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ा, दोनों रुपीज़। तो ये भी तब हम लोग गए थे तो वहाँ पे स्ट्रेट रस्ते में ऐसे साइड में बैठ रहा था, तो देख के मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं बैठी, तो मैंने लिया है अपने लिए ये वाला। तो मैं ये सब ना एक्चुअली सब बहुत इंटरनेट में मैं देखती थी और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है कलेक्ट करना, ऐसे मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इंस्टाग्राम से लिया है, बट फिर भी मोर इज़ नेवर एनफ में से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये
इसका फिनिशिंग भी इतना सुंदर है। तो भावना ने अपने लिए ये वाला चॉइस किया है, ये भी मुझे फिट होता है। पता नहीं उसने साइज देखा कि नहीं था, बट मैं पहन के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये पूरा 100 रुपीज। आप इसको किसी यू नो गाउन के साथ भी पहन सकते हैं एंड साड़ीज में भी तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगना है। किसी सलवार के साथ भी आप इसको ऑब्वियसली पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद ये मेरा वाला, ये वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये ऐसे तो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उन लोग का ट्रेडिशनल ये है। जितना भी मैंने ज्वेलरी आज तक कलेक्ट किया है वो ज़्यादातर यू नो साउथ इंडियन कर्नाटक बंगलोर साइड से है। तो उन लोग का कलेक्शन में भी मैं देखती हूँ इस टाइप के ज्वेलरीज वो लोग बहुत स्टैक करके रखते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला भी लिया, क्योंकि ये बहुत काफ़ी टाइम से मेरे यू नो विश लिस्ट में था, इसलिए मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट आई विल शो यू इज अ नेक पीस। तो ये वाला नेक पीस है, तो काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ है बट अभी पहनना नहीं हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेट, वेरी नाइस। अब आई डोंट नो ये सबको मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैसे बोलते हैं, बट फॉर अस तो दिस इज नेक पीस। एंड यहाँ पे एक तावीज़ टाइप का यू नो डिज़ाइन बना हुआ है। एंड देन यहाँ पे ये जो छोटे छोटे लगे हुए रहते हैं ना यहाँ पे मोती, तो ये वाला चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है, एकदम क्यूट लुक दे देता है यहाँ पे। तो ये वाला आई थिंक यहाँ का एकदम प्योर ट्रेडिशनल वाला है। मैंने देखा कि इस टाइप का यहाँ पे मंगलसूत्र भी मिलता है जो ब्लैक धागे में होती है, पूरा ब्लैक होता है। एंड देन ये वाला तो गोल्ड में ही होता है, जो गोल्ड पॉलिश में होता है, एंड देन ये पूरा ब्लैक में होता है। तो मैंने पूछा था कि ये क्या मंगलसूत्र है, तो बोला कि हाँ। बट देन वो एज ए अगर हम लोग नेक पीस भी पहनेंगे मतलब कहीं और तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर यहाँ पे पहनेंगे तो ऑब्वियसली सबको सोचेंगे कि यू नो कि ये शादीशुदा है ऐसे, बिकॉज दैट्स एक्चुअली ए मंगलसूत्र। तो यहाँ पे मंगलसूत्र का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा है। तो ये वाला पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है, मेटल में है ये, बट उतना हैवी नहीं है। तो आप यू नो कोई भी बेसिक सा कुर्ता पहन रहा है, कोई बेसिक सिंपल साड़ी भी पहन रहे हैं, अगर आपको लाइट वेट ज्वेलरी भी पहनना है तो ये वाला चीज़ एकदम सही रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। एंड ये वाला पीस मुझे पड़ा सिर्फ 100 रुपीज़ का गाइस। तो 100 रुपीज़ में अब क्या ही चाहिए, है ना। तो 100 रुपीज़ में बहुत अच्छा डील है। तो क्योंकि मैं अगर इस सबको ऑनलाइन भी मंगाऊंगी तो 100 रुपीज़ का अगर कोई सामान है तो वहाँ पे मुझे डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा, बट यहाँ पे नो डिलीवरी चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट पीस भी जो मेरे पास है वो भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। इसको भी मैंने एक ही नज़र में मैंने ले लिया था। मतलब दुकान में बहुत सारा चीज़ होता है, बट देन एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आप सामने जाओ तो आपको वही अच्छा लगता है। तो ये वाला चीज़ मैंने लिया है इसके साथ। ओके, ये उल्टा है ये वाला। तो इसके साथ ना यहाँ पे इयर रिंग्स भी स्टैक किया हुआ है, इयर रिंग्स यहाँ पे पहले से लगा हुआ था। तो इसमें भी सेम वही चीज़ मोती है यहाँ पे। तो ये वाला मोती मैंने ऑलरेडी बताया रहता है, तो बहुत क्यूट लगता है मुझे। एंड यहाँ पे एकदम छोटे छोटे बीट्स के जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, 6 स्ट्रिंग्स मिला के पूरा एक होल यू नो स्ट्रिंग बनाया है। तो ये वाला भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप चाहे तो इसको इतना तक भी पहन सकते हैं, मतलब यहाँ पे डोरी दिया गया है, आपको जितना लंबाई में आपको पहनना है उतना अच्छा लगेगा। बट मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत यू नो इतना गला पोर्शन में होने से ही अच्छा लगेगा, आई मीन टिल दिस मच, क्योंकि उतना ऊपर उठाएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा उतना खास। तो ये लेंथ में ही ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा गले के नीचे पहनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस वाले का प्राइस मुझे पड़ा करीब 170 रुपीज़ गाइस। 170 रुपीज़ में इतना अच्छा नेक पीस मुझे मिल रहा है। तो मेरे पास अगला पीस है ये वाला। ये वाला भी देखिए आप लोग कितना सुंदर है, ये वाला नेकलेस भी। तो ये यहाँ का आई थिंक ट्रेडिशनल नेकलेस है, बट गाइस मुझे इसका लुक कितना प्यारा लगता है ना, इसलिए मैंने ले लिया। तो एक्चुअली इसको मैंने ये डिज़ाइन का नेकलेस जो है सबसे पहले मैंने देखा था कल्याण ज्वेलर्स में, मैंने देखा था जब मैं यू नो गोल्ड ज्वेलरीज का देख रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था ना कि इतना कम दाम में, मतलब ज्वेलरीज इतना कम दाम में। बट देन आई वेंट द स्टोर में जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली ये बना लाइट, बहुत लाइट वेट होता है, आपको ये 2-3 ग्राम में भी मिल जाएगा, 2-3 ग्राम में भी मिल जाएगा। तो इस टाइप का, तो ये एक्चुअली अंदर में जो फिनिशिंग अंदर में जो होता है वो वाला लाख बोलते हैं यहाँ पे, या फिर उन्होंने मुझे समझाया कि वैक्स होता है, एंड उसके ऊपर में वो जो गोल्ड प्लेट होता है या फिर गोल्ड लेयरिंग वो लोग यहाँ पे लगा देते हैं विद डिज़ाइन एंड ऑल। बट ये इसमें तो ऐसा नहीं है, बहुत पूरा लुक वैसा ही है। इसमें ये आपका पिंक स्टोन है एंड देन ग्रीन, तो ये सभी के ऊपर अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि ये पीस ही इतना क्यूट है, इतना सुंदर है। इसका पीछे का लुक प्लेन, यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि चुभे, यू नो ये पूरा एकदम स्मूथ फिनिशिंग में है, कोई चुभने वाला चीज़ नहीं है। जो मैं पहनूंगी गले में यू नो है कम दाम का लिया है तो ये चुभेगा, ये एकदम नहीं चुभेगा। एंड ये भी मुझे पड़ा है ओनली फॉर 150 रुपीज़ का। इसमें ये जैसे इसका काम है गोल गोल सब गोल यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है, इतना सुंदर एंड क्यूट लग रहा है, आई एम मेंशनिंग क्यूट अगेन एंड अगेन। तो ये भी मुझे एक्चुअली बहुत प्यारा लगा, जैसे ही मैंने देखा इसको मैंने सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ ये वाला। तो चलिए गाइस अगली चीज में जाती हूँ। अगला पीस भी बहुत ही शॉकिंग है, कोई भी देखेगा तो शॉक हो जाएगा। ओके, ये 2 नेक पीस मुझे मिला है 100 रुपीज़ में।
तो ये वाला पहनने से भी बहुत प्यारा लगता है। मैं मेरा गोल्ड वाला जो है वो वाला पहन के दिखाती हूँ। एंड गाइस 50 रुपीस, मतलब पर पीस मुझे 50 रुपीस का पड़ा है ये। तो ये दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। ये भी बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग में है। यहाँ पे व्हाइट पर्ल लगा हुआ है, यू नो व्हाइट पर्ल है, एंड देन यहाँ पे गोल्डन पर्ल भी लगा हुआ है। बहुत छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है गाइस। ये वाला थोड़ा सा चोकर टाइप का है ये। तो ये जैसा दिख रहा है सेम टू सेम वो व्हाइट वाला भी दिख रहा है, बट हाँ ये जस्ट इट्स इट व्हाइट कलर। हाँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो दिस इज इट गाइस, ये वाला ओनली फॉर 50 bucks दैट आई गॉट। उसके बाद है ये वाला नेक पीस, जरा देखिए ये वाले चीज को। ये वाला लॉकेट ही मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें कितने सारे बहुत सारे सारे व्हाइट पर्ल्स यहाँ पे टैग किया गया है। एंड देन सेम यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मैं बोल रही हूँ डिज़ाइन जो इन लोग का है। एंड देन यहाँ पे जो रिंग था वहाँ पे वो सिंपल रिंग था, यहाँ पे उस रिंग में बहुत सारे मोतियों को यू नो राउंड एंड राउंड करके इधर स्पाइरल करके घुमा के यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया गया है ये वाला। तो ये वाला भी बहुत हल्का लाइट वेट है गाइस, यानी बहुत इससे अप्रोप्रियत है, आप किसी शादी में पहन सकते हैं। ये वाला भी मुझे पड़ा सिर्फ 150 रुपीज का गाइस। 150 रुपीज में इतना अच्छा चीज मिल रहा है, इतना अच्छा डील मुझे मिल रहा है, तो कोई क्यों ना ले, है ना। सो गाइस इसी के साथ मेरा सब नेक पीसेस का कलेक्शन खत्म। अब मैं जाती हूँ इयररिंग्स। इयररिंग्स मैंने ज्यादा नहीं लिया है, इयररिंग्स मैंने लिया है ओनली 2 पीस। तो उनमें से है एक ये वाला पीस, ये भी इतना क्यूट है, इतना प्यारा है। तो मैंने बेसिकली इसको मैंने लिया है इसके साथ पेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये वाला लिया था एक्चुअली, उसके बाद मुझे ये वाला दिखा कि मुझे ये वाला घुंघरू मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने ले लिया है। तो ये वाला इयररिंग्स भी बहुत प्यारा है गाइस, एंड दिस वाज फॉर 100 रुपीज आई थिंक। यस दिस वाज फॉर 100 रुपीज। थोड़ा सा हैवी है, बट ऐसा भी हैवी नहीं कि आप कैरी नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत प्यारा पीस है। उस भैया के पास ना बहुत सारे कलेक्शन थे, बहुत सारे अच्छा अच्छे मतलब इयररिंग्स था, लेकिन मुझे अभी उतना ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला एक ही पीस लिया है जो ये सबके साथ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इयररिंग गाइस। इसके बाद जो मैंने सेकंड इयररिंग लिया है वो वाला है ये वाला। तो ये वाला चीज़ भी मैंने एक्चुअली लिया है इसको कलर के लिए। तो ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत स्वीट कलर है। एंड इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे यू नो छोटे 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 पत्थर स्टोन्स, नॉट एग्जैक्टली स्टोन, एंड इसमें यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट घुंघरू फिर लगे हुए हैं। ये वाला पीस भी मुझे देख के अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक्चुअली मैंने इससे पहले कुछ और लिया था, बट देन फिर ये मुझे नजर में आया, देन आई चेंज फॉर दिस। ये भी मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा एक्चुअली। हाँ उस भैया के पास जितना भी ज्यादा था, जितना भी सारा था, या तो 50 का था या तो 100 का। 50 वाला जितने भी थे सब लाइट वेट के थे, बट 100 वाला यू नो थोड़ा सा हैवी जिसमें स्टोन है, एंड ये थोड़ा सा जो उसमें उससे थोड़ा सा हैवी है ये। तो सेकेंड पीस ऑफ इयररिंग मैंने लिया ये वाला। उसके बाद गाइस अभी मेरा पूरा जितना भी यू नो थोड़े से गोल्ड प्लेटेड जितना भी ज्वेलरीज था सब खत्म। मैंने अभी लिया है कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज भी लिया है, मैंने सिर्फ 2 सेट लिया है ऑक्सीडाइज का। तो ओके मैं दिखाती हूँ आपको पहला मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सबसे पहले मैंने लिया ये वाला। अभी ये वाला चीज़ तो अभी सब जगह में मिलता है, बट अभी मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने लिया 150 रुपये में, ठीक ही है। इयररिंग्स भी साथ में मिला है, एंड देन नेकलेस भी, क्योंकि अगर सिर्फ नेकलेस लेने जाएंगे तो ऐसे ही वो सिंपल में 100 रुपीज़ पड़ेगा। सो गाइज दिस इज द लुक विद द ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं कभी हिम्मत नहीं करती थी मैं किसी साड़ीज के साथ इस लुक को कैरी करूँ, बट ट्रस्ट मी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुंदर प्यारा लग रहा है। एंड हाँ अगर मुझे कभी और मिलेगा तो मैं शायद ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसको हम किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं यू नो। जैसे मैंने अभी ये पूरा साड़ी पहन लिया जो कि गोल्ड टोन में है, बट देन स्टिल देन इट गोज ये सिल्वर टोन में है, तो ये भी पूरा यू नो इस लुक के साथ जा रहा है। मैं इसको यू नो किसी टी शर्ट के साथ भी, या फिर किसी शर्ट ड्रेस के साथ भी मैं आराम से कैरी कर सकती हूँ, या फिर कोई भी नॉर्मल कुर्ती हो उसके साथ मैं पहन सकती हूँ, या फिर कोई भी रिच कुर्ती या फिर रिच साड़ी उसके साथ भी ऑब्वियसली हम लोग पहन सकते हैं, एंड इट विल गिव यू अ डिफरेंट लुक एंड डिफरेंट वाइब। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज टोटली अ डिफरेंट वीडियो एंड अ डिफरेंट लुक फॉर मी। ऐसे करके मैं यहाँ में बाहर में या फिर दिल्ली में भी मैं नहीं निकली हूँ, पर हाँ कभी शादी हो जाता है कहीं पे किसी के घर में खाने जा रहे हैं तब मैं बहुत इस टाइप का लुक पहनना पसंद करती हूँ। बट विद सिल्वर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है साड़ीज में, बट आई एम रियली लाइकिंग इट गाइस। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गोल्ड से भी ज्यादा मुझे ये वाला लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज द पेस, ये आपको मीशो में भी मिल जाएगा, आई थिंक वही 200 के अंदर आपको मीशो में भी मिल जाएगा। तो यू कैन चेक आउट इन मीशो ऑल्सो, बिकॉज मैंने ज्यादातर मीशो में देखा है इस टाइप की ज्वेलरीज। द लास्ट ज्वेलरी दैट आई हैव इज दिस वन। तो ये भी मेरा पहला लॉन्ग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं खोल के दिखाती हूँ। मैं पहले इतना ज्वेलरी फ्रिक नहीं थी गाइस, अभी जैसे जैसे मतलब हो जा रहा है टाइम आ रहा है, तो मुझे मतलब थोड़ा बहुत ये सब ज्वेलरी सब में शौक हो रहा है, बिकॉज इट रियली एनहेंसेस आर लुक यू नो, थोड़ा बहुत लुक चेंज कर देता है, बिकॉज रोज रोज रेगुलर वो लुक में देखना अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत टेस्ट और लुक चेंज करना चाहिए, तो सो दैट इट रिफ्रेशेस आवर माइंड। तो मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ यू नो कि अलग अलग लुक ट्राई करूँ। दिस इज द पीस हाउ इट लुक्स लाइक,
एंड यू नो गाइस, मैं ज्यादातर देखती थी बंगाल साइड में, वेस्ट बंगाल में जब हम लोग थे तो मैं देखती थी बहुत सारी लड़कियां जो है ना साड़ीज पहनेंगे बहुत अच्छे, यू नो एकदम सोबर कलर के पहनेंगे, एंड देन दे विल स्टैक अप विद दोस थ्रेड ज्वेलरीज होता है ना, थ्रेड ज्वेलरीज, जूट ज्वेलरीज या फिर सब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के ऊपर, दे लुक सो स्मार्ट। तो हमें पहनना उतना मतलब हिम्मत नहीं होता था, बट नाउ लेट्स सी, क्योंकि ये मेरा पहली बार है जो मैं लॉन्ग जो नेकलेस में पहनूंगी अभी। सो गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स, तो अच्छा ही लगा मुझे ये वाला भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग यू नो दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, बट हाँ ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है, प्यारा ही लग रहा है। उसका इयर रिंग्स भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड द नेक पीस मुझे बताना प्लीज कमेंट में कि इन सब ज्वेलरीज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया है, एंड ऑल्सो जितना भी मैंने पहन के दिखाया है मेरे ऊपर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू शेयर इन द कमेंट। एंड ऑल्सो गाइज, हमने 300 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिया है बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग। एंड गाइज, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 300 जैसे कम्प्लीट होते हैं मैं एक गिव अवे करने वाली हूँ, तो पिछला वीडियो में आप अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है आप प्लीज लास्ट पार्ट देखिएगा, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो गिव अवे मैं देने वाली हूँ, बहुत प्यार से मैंने कलेक्ट किया है आप सभी के लिए, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। तो गाइज, गिव अवे का जितना भी प्रोसेस होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी, आप प्लीज कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, और एल्स इन दिस वीडियो ऑल्सो कमेंट बॉक्स में मैं यू नो एक कमेंट छोड़ दूंगी, वहाँ पे जितना भी गिव अवे का प्रोसेस होगा तो वो सब मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, मुझे पता चलना चाहिए ना कौन मुझे सब्सक्राइब किया है कौन मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ, बट इट्स ओके, इट विल बी वेरी इजी। एंड मैं सोच रही हूँ इस बार यू नो जो भी होगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि दो विनर्स होंगे, ऑल्सो मैं यहाँ से जो ज्वेलरीज होगा यहाँ से भी मैं एक ज्वेलरी मैं पैक करने वाली हूँ एज अ सरप्राइज, नहीं बताऊंगी कौन सा है, बट जो भी खोलेगा जो भी विनर्स होंगे वो खोलेंगे तो दैट विल बी अ सरप्राइज ही कौन सा पीस होने वाला है। तो गाइज प्लीज डू पार्टिसिपेट, तो चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।